हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्रोस टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स, ऑप्शन बी है ग्रोस टोटल ऑफ ऑल कैपिटल एसेट्स माइनस वियर एंड टीयर, ऑप्शन सी है स्टॉक ऑफ प्लांट्स मशीन्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। काफी इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अब देखिए रैपिड क्वेश्चन डोज की जो हमारी सीरीज है ना, इसको हम डिस्कस करते हैं क्विज की तरह। मतलब एक तरह की रिवीजन सीरीज है। आप जब सभी के सभी क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करते हो और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं आते और क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, जब हम उन क्वेश्चन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करते हैं तो वही क्वेश्चन आपको यहीं के यहीं याद हो जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर एक तरह से टेस्ट भी देना है और सभी क्वेश्चंस को याद भी करना है और ये सीरीज से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी को आप कंसीडर मत करो, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर रैपिड क्वेश्चन डोज की जो सीरीज है वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। चलिए होपफुली अब तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रोस टोटल ऑफ ऑल कैपिटल एसेट्स माइनस वियर एंड टीयर। अब देखिए इन्वेस्टमेंट होता क्या है, अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझे, इन्वेस्टमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अमाउंट दैट इज यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर हम यहाँ पर वियर एंड टीयर को डिडक्ट कर दे तभी तो हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो बहुत ही ईजी था और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन बैंक फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा बैंक लोन वगैरह देता है उन इंडस्ट्रीज को, एक तरह से कैपेबल बनाता है और अगर उनको जरूरत होती है तो उनको लोन वहां से इजिली मिल जाता है। ऑप्शन ए है IDBI, ऑप्शन बी है SIDBI, ऑप्शन सी है IFCI, ऑप्शन डी है NABARD। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर सभी की सभी इन ऑप्शंस की फुल फॉर्म पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी SIDBI। SIDBI बोले तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1990 में। और मेनली इसका एम क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। अब देखिए यहाँ पर SIDBI का जो हेडक्वार्टर है ना वो लखनऊ में, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसके हेड कौन है। और इसका मेनली हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है और जब भी हेडक्वार्टर आता है तो हमें लगता है बॉम्बे होगा, दिल्ली होगा या फिर चेन्नई होगा, मेन मेन सी जो सिटीज हैं वहां पर होगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में। और यहीं पर सबसे बड़ी हम गलती कर बैठते हैं। पर चलिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि SIDBI के हेड कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू बैंकिंग रिफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर कमेटी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एक मैंने सेशन में सभी की सभी कमेटीज डिस्कस भी किया हुआ है और आप वो सेशन देख सकते हैं। मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें उसको डाल दूंगा, वो सेशन आप जरूर देखिएगा। वैसे आपको वो सेशन देखने को मिलेगा डेली डोज का जो कंटेंट की प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो सेशन देखने को मिल जाएगा, बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस सेशन में आपको जितनी भी कमेटीज मैंने डिस्कस की हुई हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी आई थी, LC गुप्ता कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, केलकर कमेटी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी आई थी, नरसिम्हा कमेटी। कब आई थी, 1991 में। वैसे दो बार आई थी, 1998 में भी आई थी, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है तो 1991 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाता है क्योंकि उस समय हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी और इसको लेकर काफ़ी रिफॉर्म्स भी करे गए हैं, जैसे LPG रिफॉर्म्स आपको याद आ रहे होंगे। और हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है उनकी हालत बहुत ख़राब थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ता जा रहा था, इसको एक तरह से रिमैप करा गया था बैंकिंग सेक्टर को इस कमेटी के थ्रू, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी और फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से बढ़ेगा, तो इसको लेकर इस कमेटी में यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी आई थी, नरसिम्हा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड करेंसीज। देखिए हार्ड करेंसी क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। करेंसी विच इज पेड फॉर लोन, अ करेंसी विच इज पेड फॉर गोल्ड, अ करेंसी विच इज ईजी टू एक्सेस, अ करेंसी नॉट ईजी टू एक्सेस। अब आपको लग रहा होगा हार्ड करेंसी है तो यहाँ गोल्ड आ गया, गोल्ड थोड़ा सा हार्ड होता है, वैसे तो मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट होता है, लेकिन हार्ड करेंसी होता क्या है, जो मार्केट में इजी फ्लक्चुएट ना कर पाए। ठीक है, हार्ड करेंसी को आप ऐसे समझ लो कि जैसे हम
देखते हैं ना, हमारा जो रुपए है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब डिवेल्यूशन होता रहता है उसका डॉलर के अगेंस्ट में। हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा रुपए इतना गिर गया है या थोड़ा सा अच्छा इम्प्रूव कर पाया है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है डॉलर के अगेंस्ट में। हार्ड करेंसी क्या होता है, जो इजिली फ्लक्चुएट ना हो, जो इजी टू एक्सेस ना हो, मतलब बहुत ही उसको एक तरह से हम इजिली डिवेल्यूएट ना कर पाए। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डॉलर ही। वैसे पाउंड भी हो सकता है लेकिन डॉलर को आप कंसीडर कर लो, क्योंकि रुपए के केस में हम यहाँ पर डॉलर ही देखते हैं कि कितना अप गया कितना डाउन गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अ करेंसी नॉट इजी टू एक्सेस। इसको एक तरह से सेफ हेवन करेंसी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। अब देखिए, सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई। अब आरबीआई के यहाँ पर कौन सा फंक्शन नहीं है, एक बार हम ऑप्शन में देख लेते हैं। डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्टिंग एज अ बैंकर्स बैंक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, गवर्नमेंट का जहाँ पर स्पेंडिंग होता है उसका देखा जोखा आरबीआई नहीं रखता, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी फॉरेन एक्सचेंज में आरबीआई यहाँ पर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड तो आप सब देखते ही हो कि आरबीआई बाय मंथली अपनी एक मीटिंग करता है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिसाइड करता है कि सीआरआर का रेट क्या रहे, एसएलआर का रेट क्या रहे, रेपो रेट का रेट क्या रहना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। तो ये सभी की सभी आपने टर्म सुनी भी होंगी, और अगर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप अंशुमन सर के सेशन देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। अब देखिए, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये काम आरबीआई नहीं करता। आरबीआई के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है फाइनेंस सिस्टम को, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, करेंसी इशू करता है, 1 रुपए के नोट को अगर आप छोड़ दो तो, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल नहीं करता है, और बैंकर्स टू बैंक, और इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू। अब लीगल टेंडर क्या होता है, चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, करेंसी नोट। तो यहाँ पर देखो, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब करना है ना, तो आपने सोचना है कि एग्जैक्टली हम लोगों को याद भी होगा, जब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि अब 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे, है ना। तो वो उस कंटेक्स्ट में भी आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। अब उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स। तो क्या होते हैं लीगल टेंडर्स, क्या होते हैं जो हम लोगों को एक तरह से इंश्योर्ड करते हैं, मतलब एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो कि मीडियम है पेमेंट का, और लीगल सिस्टम के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, और हमारे वो नोट को हम देंगे और मार्केट में हम कोई भी गुड को परचेज कर सकते हैं, मतलब इजिली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेंसी नोट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूजली इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं है, बैंकिंग में 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इकोनॉमी आपको पता है बैंकिंग के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे जब हम ये सीरीज डिस्कस करते हैं तो सिर्फ यूपीएससी को छोड़कर बाकी जितने भी आपके एग्जाम हैं उसमें ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे स्टेट रेलिवेंट आप एग्जाम दे रहे हो, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर जिसमें एसएससी जीके का सिलेबस पूछा जाता है। अब बैंकिंग में भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और बैंकिंग में क्वेश्चन 7 से 8 बार आ चुके हैं, एसएससी में भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने बस इसको क्रैम कर लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसका नाम क्या है, यहाँ पर आरबीआई नेट। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं, मैं फिर आपको कहूंगा, लेकिन कई बार हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एक नंबर अपना गवा देते हैं। एसएससी में तो खैर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी टर्म्स इज यूज फॉर। अब स्मार्ट मनी से क्या मतलब है, एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे इसको अटेम्प्ट करने की, क्योंकि हम सब जानते हैं जो रैपिड क्वेश्चन डोज की सीरीज है इसको हम क्विज की तरह लेकर चलते हैं, तो आपने खुद से कोशिश करनी है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो ऑप्शन ए है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी है इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन सी है ई बैंकिंग, ऑप्शन डी है कैश विद पब्लिक।
अब स्मार्ट मनी क्या है? इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, कैश विद पब्लिक या फिर क्रेडिट कार्ड। अब सोचो, और डेफिनेटली आपने इसका सही आंसर ही सोचा होगा। तो स्मार्ट मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, डेबिट कार्ड भी हो सकता है, या फिर प्लास्टिक मनी भी हो सकता है। तो स्मार्ट मनी क्या है आपका? यहाँ पर ऑप्शन ए, क्रेडिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन का दौर होता है तो उस समय टैक्स रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, या फिर फ्लक्चुएट करता रहता है? अब देखो, इन्फ्लेशन के केस में ना मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, और जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको ऐसे कंसिडर कर लो कि मान लो कि सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए मैं डाल दूं, या 15-15 लाख रुपए डाल दूं, ठीक है, या फिर 20-20 लाख डाल दूं। अब सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मार्केट में जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, और इसको देखते हुए जो गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि हम लोगों के पास बहुत पैसा आ जाए और सबके पास पैसा आ जाए, आरबीआई यहाँ पर पैसे छापने शुरू कर दे, है ना। और हम लोगों को वैसे बचपन में लगता भी था कि आरबीआई को पैसे छाप लेने चाहिए और हम लोगों के पास पैसा आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा? मार्केट अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आरबीआई ही सभी की सभी चीज़ें ये देखता है, और इन्फ्लेशन मैक्सिमम 4% रहता है, और प्लस माइनस यहाँ पर 2 वेरी करता रहता है। मतलब या तो +2 ज़्यादा हो सकता है, या फिर -2 हो सकता है। इससे यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो सकता, या -2 से यहाँ पर कम नहीं हो सकता है, मतलब 2% से कम नहीं हो सकता है। ऐसे आप समझ लो कि 4% और यहाँ पर ±2%, ये वेरी करता रहता है, मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2%, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी, और अभी भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन 5 पॉइंट समथिंग है, तब भी हम लोगों को लगता है कि गुड्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यूजली क्या होता है कि आरबीआई यहाँ पर सभी की सभी कंडीशंस को चेक करता है, और इस केस में जो टैक्स रेट होते हैं, अब अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही कोशिश करेंगे कि पैसे को खींचेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, तो टैक्स रेट क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में हमने इसको समझा, और इससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन और भी डिस्कस करे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर पैसे को छापना शुरू कर दें। आरबीआई के पास मशीन्स हैं, वैसे आरबीआई यहाँ पर पैसे को छाप नहीं सकता, इसके लिए रिजर्व रखना पड़ता है 200 करोड़ रुपीज़ का, और ऐसे समझ लो कि 115 करोड़ का यहाँ पर गोल्ड होना चाहिए, और 85 करोड़ का यहाँ पर फॉरेक्स होना चाहिए, तभी यहाँ पर पैसे को हम छाप सकते हैं। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड है, इसको आप याद कर सकते हो, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में ना जाते हुए, और ये मैंने हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में करवाया हुआ। अगर आप यहाँ पर समझना चाहते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्या हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाला जो मेरा सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको आप देखिएगा। और ग्रेट डिप्रेशन कहाँ से आया था? यूएसए में, जब एकदम से स्टॉक गिर गए थे और पूरे वर्ल्ड की हालत ख़राब हो गई थी। इसको ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी कंसिडर करा जाता है, और ये 1929 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स एज्यूम डेट। अब देखिए, इकोनॉमिक्स होता क्या है? ऑप्शन ए है, पीपल हैव अनलिमिटेड डिजायर्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्शन बी है, पीपल हैव लिमिटेड डिजायर्स बट अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ऑप्शन सी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नॉट सेंट्रली प्लान्ड विल कॉज इन एफिशियंसी। ऑप्शन डी है, पीपल आर इमोशनल एंड मेक इरेशनल डिसीजन। तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और डिजायर्स तो हम लोगों की अनलिमिटेड है ही। हम लोग दिन प्रतिदिन सोचते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए, और खैर सोचने में क्या ही जाता है। तो यहाँ पर डिजायर्स बहुत ज़्यादा है हमारी, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक्स का ये बेस, या फिर ऐसे समझो कि जब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है तो पहली लाइन यही बताई जाती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन करी जा रही है नेचुरल प्रोसेस से, और उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब देखिए, यूजली अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जब हम डायरेक्टली यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, लाइक एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल,
तो ये क्या होता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिमांड कर्व शोज दैट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर। अब यहाँ पर आपको डिमांड से रिलेटेड और ये जो पर्टिकुलरली टॉपिक है काफ़ी अच्छा है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि हमने किस कंटेक्स्ट में पूछा है, प्राइस और क्वांटिटी के कंटेक्स्ट में। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड ओनली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड। ऑप्शन सी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड आल्सो इन्वर्सली रिलेटेड, एंड ऑप्शन डी है इन्वर्सली रिलेटेड ओनली। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें किसी भी चीज़ की, प्राइस आप बढ़ा दो तो क्वांटिटी की डिमांड कम होगी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली कम होगी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड आल्सो इन्वर्सली रिलेटेड। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको 5 रुपए की मिल रही है तो आप यहाँ पर, अगर आपके पास 10 रुपए तो आप 2 ले आओगे, अगर वही चीज़ आपको 500 की मिल जाए, मिलने लग जाएगी, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो मेरे लिए सही नहीं है, इसको तो मैं ऐसी परचेज कर रहा था, तो आप यहाँ पर इसको परचेज ही नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड तो कम हो ही जाएगी, है ना, अगर एक एक टाइम पर एक एक लिमिट से ज़्यादा उसके प्राइस बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन के थ्रू हमें यहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन बी है फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन सी है रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी है रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, देखिए प्रोडक्शन लिटरली मीन्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट 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 इनटू आउटपुट, या आप ऐसे समझो कि आउटपुट इज फंक्शन ऑफ इनपुट। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एक तरह का ये रिलेशन हमें बताएगा कि इनपुट में हम क्या, मतलब इनपुट से हम क्या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उसे हम एग्जैक्टली मैक्सिमम क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या है, फंक्शन है। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्लासिफाइज द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एज। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, इक्विपमेंट एंड लेबर। अब यहाँ पर देखिए, लेबर इज वन ऑफ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लेबर को आप फर्दर क्लासिफाइड भी कर सकते हो, या फिर इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो, अमाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। तो यहाँ पर मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन से क्या हम क्लासिफाई कर पाएंगे, लेबर को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडस्ट्री हैविंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी इज। हमारी इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा टी, सीमेंट, स्टील, जूट में से स्टील, और उसके बाद हम जूट में करते हैं, देन हम टी में करते हैं, तो स्टील आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्केयर्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड। स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड वैसे भी आ गया, तो आप यहाँ पर, चलिए ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। लग्जरी गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर इकोनॉमी गुड्स। अब देखिए, डेफिनेशन को बस घुमा फिर आगे पूछा हुआ है, और इकोनॉमिक्स गुड्स आर अपोजिट टू फ्री गुड्स एंड बेसिकली गुड्स विच आर स्केयर्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक गुड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्लैक मार्केट क्या होती है, मतलब ब्लैक मार्केट की जो सिचुएशन होती है इसको हम किस तरह से देखते हैं। ऑप्शन ए है गुड्स आर लॉन्ड्रेड बाय द प्रोड्यूसर। ऑप्शन बी है गुड्स आर सोल्ड सीक्रेटली। ऑप्शन सी है गुड्स आर सोल्ड एट प्राइस हाइयर देन द व्हाट इज प्राइस व्हाट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन डी है गुड्स आर मेड अवेलेबल ओनली आफ्टर देयर इज राइज इन प्राइस। आप देखते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि प्याज के रेट बढ़ गए और फिर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जब छापेमारी करी जाती है तो बहुत जगह पर प्याज का स्टॉक मिलता है, आलू का स्टॉक मिलता है, और यूजली यूरिया का भी स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ब्लैक मार्केट क्या होता है कि जब जहाँ पर एक तरह से जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया जाता है, और जब प्राइस हाइक हो जाता है और उसको फिर बेचना शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुड्स आर मेड अवेलेबल ओनली आफ्टर देयर इज राइज इन प्राइस। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज एन इंक्रीज इन अ डिमांड फॉर कॉफी। अब देखिए, यहाँ पर कॉफ़ी की डिमांड कैसे होगी, मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलते हैं। प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉलिंग इन फॉरेन मार्केट, कॉफ़ी प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल रैपिडली इन डोमेस्टिक मार्केट, एवरेज इनकम
फॉल्स इन द कंट्री। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफी, अगर हम देखें तो विल कॉज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन किसी भी कंटेक्स्ट में सही नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी। अगर आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स में पढ़ा होगा कि अगर हम अगर देखते हैं कि जैसे सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर टी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली होता क्या है कि जो सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे कॉफी भी क्या है, एक तरह का सब्स्टिट्यूट है, तो उसके भी प्राइस क्या है, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड विच आर कंज्यूम्ड एट वन अनदर, तो इफ प्राइस ऑफ वन गुड। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ डी वैल्यूशन इज टू। ऑप्शन ए है बी लिटल फॉरन करेंसी, एनकरेज एक्सपोर्ट, डिस्करेज सपोर्ट, एनकरेज इम्पोर्ट। तीन फैक्टर होते हैं जब डिवेल्यूशन होता है, तीनों फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ। जब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाए इम्पोर्ट से, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज इन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिवेल्यूशन है उसका अगर हम मेनली कंसिडर करें तो मेन मेन फैक्टर क्या होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर देखे। तो इसका इसके अकॉर्डिंगली आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एनकरेज एक्सपोर्ट। ठीक है, और आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आंसर होता डिसकरेज इम्पोर्ट, तो भी आपको ई ऑप्शन में अगर इस तरह से ऑप्शन दिया होता कि मोर देन वन ऑफ द अबव, तब आप यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। देखिए 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करें, और होपफुली इन 20 क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, और आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। तो मैंने आपसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आपने कमेंट करके मुझे बताने हैं। जैसे हमने सिडवी के बारे में पूछा था, तो वो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और जब भी आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके ठीक हों, चार क्वेश्चन ठीक हों, छः ठीक हों, आठ ठीक हों, दस ठीक हों, या फिर 20 के 20 ठीक हों, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब आप 20 क्वेश्चन समझते हो, तो अगर आपके दो क्वेश्चन ठीक होते हैं तो 18 आप यहाँ पर समझ चुके हो, और इसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो इससे आप लोगों को डेफिनेटली एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोगों को मिलेगा जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपने कमेंट जरूर करना है, और रैपिड क्वेश्चन डोज की जो सीरीज है इसको आप बार बार देखिए, और हमारे चैनल पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाए हुए हैं। देखिए बीपीएससी का हमने अलग से डिस्कस करवाया था मॉड्यूल, तो बीपीएससी में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, और 38 के आसपास सेशन है जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए। अब देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये तो नहीं बदलेगा ना, ये तो सेम ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे फिर हरियाणा से हो, चाहे वो हिमाचल का स्टेट पीसीएस हो। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किसी भी स्टेट पीसीएस में आ सकता है। तो बीपीएससी वाले क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, और हमने ईपीएफओ में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करे थे इकोनॉमिक्स के, और थोड़ा सा वो अच्छा लेवल था, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ईपीएफओ को कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। तो वो क्वेश्चंस आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमारा लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखिए, एंड साथ साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखिए, साइंस के क्वेश्चंस को देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब आप क्वेश्चंस को देखोगे, और इस सेशन मतलब इस पूरे के पूरे चैनल में जितने हमने सेशन डिस्कस किए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसके बाद आप कोई भी पेपर देने के लिए जाओगे, तो मैं यहाँ पर श्योर हूँ 70% आपका जो सिलेबस है, या 70% जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, वो आपको वही के वही देखने को मिलेंगे, और जो हमने डिस्कस किए। ठीक है जी, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आपको, फिर से मैं कहूँगा, अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।